So today we learn about supermarket. This is supermarket. Supermarket किसको बोलते हैं? A big retail store, जहां से हम अपने आप सामान उठाते हैं, चूज करते हैं एंड बिलिंग काउंटर पे लेके जाते हैं. सो देयर इज अ फ्रीडम टू चूज द प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड सुपरमार्केट, राइट? सो इन सुपरमार्केट व्हाट वी कैन सी, सो वी विल टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स वी ऑल सी इन सुपरमार्केट. So whenever we visit supermarket, first thing is there is an entry and exit point, right? Whenever you enter a supermarket, first you will select the basket. ठीक है, जो आपको basket लेनी है वहां से एक select करते हैं जिसमें आप सारा सामान buy करेंगे और रखेंगे. तो there are two different kinds of basket. So one is small basket, this is called shopping basket. Small basket होती है, you have to carry it by yourself. And there is one, this is called cart or trolley. So every different supermarket call it by different names. Some call it trolleys, some calls it by shopping cart. तो जब हमें बहुत सारा सामान खरीदना होता है, घर की ग्रोसरी खरीदनी होती है, तो we choose this trolley, right? Then at the entry point we select this trolley. Then we started going inside the supermarket. So, supermarket में जब हम घुसते हैं तो वहाँ पे different sections बने होते हैं. तो we call it categories. अब हमें fruits and vegetables खरीदने हैं तो how we will know कि fruits and vegetables कहाँ रखे होंगे इतनी बड़ी supermarket में? So we have to find out the signage, like this kind of signage. तो ये साइनेज हमें बताता है कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैटेगरी कहाँ पर है. थ्रू दिस साइनेज वी नो द डायरेक्शन कि कहाँ पे हमें जाना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से चूज करने हैं. सिमिलरली इफ यू वांट टू बाय स्नैक्स, स्नैक्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड ऑल, तो आप स्नैक्स कैटेगरी में जाओगे और वहां से अपनी मनपसंद चिप्स चूज करोगे और जो भी चीजें आपको खानी है स्नैक्स में से वो चूज करोगे. देयर आर अदर कैटेगरीज टू, लाइक वहां पे एक बेवरेज की कैटेगरी होती है. अगर हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, जूसेस पीने हैं, तो वी विल गो टू बेवरेज कैटेगरी. नाउ वी विल कम डाउन टू देयर इज अ फ्रोजन कैटेगरी, जहां पे हमें फ्रोजन आइटम मिलते हैं. लाइक हमें फॉर एग्जाम्पल, हम घर में क्या खाते हैं? मैकैन की आलू टिक्की, मैकैन के पोटैटो बाइट्स. अब हमें वो ढूंढना है कि वो कहाँ रखा है पूरे सुपरमार्केट में. तो हम जाएंगे फ्रोजन वाली कैटेगरी में, वहाँ पे डीप फ्रीजर्स होते हैं. इस तरीके ये डीप फ्रीजर है, इसमें वो प्रोडक्ट्स रखे होते हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू ईट आइसक्रीम, तो आइसक्रीम भी आपको यहीं पर मिलेगी. ठीक है, तो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई है, राइट? एंड वहां पे चिलर्स भी होते हैं. अगर हमें अमूल बटर लेना है, आपको अमूल बटर बहुत पसंद है अरिंजे, yes. है ना? तो अगर आपको अमूल बटर खरीदना है, आपको याकूट खरीदना है, तो आप कहाँ पे जाओगे? चिलर सेक्शन में. वहां से आप अमूल बटर ले सकते हो, वहां से आप याकूट ले सकते हो, वहां से आप अमूल की छाछ ले सकते हो. सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर इन द चिलर सेक्शन. आपको चॉकलेट्स खानी है, चॉकलेट्स अगर कहीं बाहर रखी रहेगी तो मेल्ट हो सकती है, तो वो भी उसके आसपास ही वहीं पे चिलर सेक्शन के पास ही रखते हैं. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज अवेलेबल इन अ सुपरमार्केट. और आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो. आप नॉर्मल शॉप पे जाते हो, घर के बाहर जो शॉप्स होती हैं उनको रिटेल शॉप्स बोलते हैं. तब हम वहां पे जाते हैं तो हम प्रोडक्ट को चूज नहीं कर सकते, आपको नाम बताना पड़ता है प्रोडक्ट का. बट आप सुपरमार्केट में जाओगे तो आप प्रोडक्ट को देख सकते हो और देख के आप चूज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है. वहां पे कितनी बार सैम्पलिंग भी होती है, आप टेस्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, टेस्ट करके फिर सेलेक्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें हमें सुपरमार्केट में बेनिफिट होता है और हमें ये चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से.
ठीक है, अब नाउ आपने सारी चीजें सिलेक्ट कर ली, अब देयर इज अ पॉइंट, आपने इस कार्ट में अपने ट्रॉली में सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब क्या करोगे आप? यू विल फाइंड आउट द बिलिंग सेक्शन, जहाँ पे बिल्स होंगे। तो आप, ये बिलिंग सेक्शन है, आप फाइनली यहाँ पे आओगे और अपना यहाँ पे सारा सामान ट्रॉली का आप इनको दोगे बिलिंग करने के लिए। अब जो बिल करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैशियर। तो ये जो है ये कैशियर है, ठीक है, ये आपको सारा आइटम बिल करके देंगे। दिस इज कैश रजिस्टर, इसमें सारे आइटम बिल होगा और आप जो है पेमेंट कैश के थ्रू भी कर सकते हो, आपके पास कार्ड है कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, कुछ सुपरमार्केट वाले कूपन्स भी लेते हैं तो आप कूपन्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू कैन फाइंड इन अ सुपरमार्केट, एंड हु ऑल मैनेजेस दीज थिंग्स? सो देयर इज अ स्टोर मैनेजर, दिस मैन इज अ स्टोर मैनेजर हु मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो दीज आर द पीपल हु हेल्प्स अस इन सुपरमार्केट, एंड आप यहाँ से सब कुछ बाय कर लिया आपने, ये आपको कैशियर जो है आपको सारा सामान बिल करके आपको दे देंगे, आप फिर आप बाहर आके आ सकते हो। तो आपकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई। दिस इज द वे वी गो इन सुपरमार्केट एंड बाय थिंग्स, ठीक है? ओके 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 ग्रेट, थैंक यू।